हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी में। टुडे आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम प्रोटिस्टा, ये फाइव किंगडम में से दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, जो कि पहला यूकेरियोट्स हैं, ये भी यूनिसेलुलर है। ये सभी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स हैं। जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं यूनिसेलुलर, उसको हम लोग प्रोटिस्टा में रखते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली ये एक्वेटिक ही होते हैं। ये एक ऐसा किंगडम है जो लिंक बनाता है अलग अलग दूसरे प्लांट या एनिमल या फंजाई से। इसका खास कैरेक्टर है, इसमें डिफाइन न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि यूकेरियोट्स हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं, इसमें फ्लैजेला और सीलिया भी होता है जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है, लेकिन इसमें पाए जाते हैं। ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। इसमें फ्यूज़न होते हैं दो सेल का, जिससे जैगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली प्रोटिस्टम हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूगलिनोइड्स, स्लेम मोल्ड्स और प्रोटोजोवंस। ये पांचों हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप पहला प्रोटिस्टा है क्रेसोफाइट्स, इसमें मेनली आता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग डिसमाइट्स कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये करंट वाटर के फ्लो में जो है वो बहता है, जिसको हम लोग प्लैंकटॉन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये लाइट से फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये देख सकते हैं ये गोल्डन एल्गी का पिक्चर है, और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इसके कारण फिश किलिंग भी होता है। ये टॉक्सिक जनरेट करते हैं जिसके कारण फिश जो है वो किल्ड हो जाते हैं। पहला क्रासोफाइट्स है डायटम, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। इसके बहुत सारे स्पीसीज एग्रीगेट करके एक चेन बना लेता है। इसका सबसे खास बात यह है कि इसके जो सेल वाल होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं, और ये सेल जैसे साबुन का डब्बा होता है, आधा आधा दोनों तरफ से होते हैं, जो टाइटली फिट होते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर से फिट होता है, एक नीचे से फिट होता है, सोप के साबुन के जैसा, जैसे आप फिगर में नीचे देख सकते हैं। इसके बहुत सारे फिगर्स हमने दिए हैं नीचे। जहाँ ये बहुत दिनों तक रहता है, तो ये अपने पीछे सेलवाल डिपोजिशन करता है अपने हैबिटेट में, जो एक्यूमुलेट होके जब बहुत बिलियंस ऑफ ईयर में जब एक्यूमुलेट होते हैं, तो इसको एक नाम दिया जाता है, डायटमस अर्थ कहा जाता है उसको। बीइंग ग्रिटी सॉइल, ये इतना चमकीला होता है, ये सॉइल ऐसा बन जाता है ये, कि इसको पॉलिशिंग में मदद करते हैं, फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं ऑयल के, या सिरप में भी इसको यूज करते हैं। इसका जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ये ओशियंस के, यानी कि ऑटोट्रॉफ फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर समझते हैं हम लोग, जब हायरार्की हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब जो सनलाइट से सीधे भोजन बनाता है, फोटोसिंथेटिक करता है, तो ये ओशियंस का चीफ प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा यहीं से एनर्जी कैप्चर होता है सनलाइट का, और अलग अलग हायरार्की में जाता है। इसके बाद दूसरा प्रोटिस्टा है डायनोफ्लैजलेट्स, ये मोस्टली जो होते हैं मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। ये किसी कलर के हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, और रेड भी होता है। डिपेंड करता है कि उसके पास उसके सेल में किस तरह के पिगमेंट्स हैं। सेल वाल जो होते हैं इसका सेलुलोइज प्लेट्स के बने होते हैं आउटर सरफेस में। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्टिप सेलुलोइज होता है इसका, जो आउटर प्लेट होता है वो स्टिप सेलुलोइज प्लेट का बना होता है। इसमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्सली। यहाँ नीचे वाले फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये एक तो ट्रांसवर्सली इस टाइप का फ्लैजेला है, और दूसरा है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। इसमें दो तरह के फ्लैजेला पाए जाते हैं। कभी कभी जो होते हैं एक रेड डायनोफ्लैजलेट्स हैं, जिसको हम लोग गायनोलक्स कहते हैं। ये इतना तेज़ी से डिवाइड करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है,
कि ये समंदर को ही लाल जैसा दिखाता है, जिसको हम लोग रेड टाइड करते हैं, एकदम रेड अपीयरेंस कर देता है। इसका एक और गुण है कि डायनोफ्लाजिलेट्स होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे अलग जो एनिमल्स होते हैं या वहाँ पर जो फिश होते हैं वो किल हो जाते हैं। रेड टाइड को देखना है तो ये देखिए, ये रेड डायनोफ्लाजिलेट्स के पिगमेंटेशन के कारण ये इतना रैपिड डिवीजन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, कि ये पूरा जो है लाल दिख रहा है, ये सिर्फ डायनोफ्लाजिलेट्स हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में यूग्नेलॉइड्स। यूग्निना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेलवाल नहीं होता, उसके जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होता है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं पेलिकिल, जो इसका बॉडी को पूरा फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें सेलवाल नहीं होता, उसके जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होता है पेलिकिल, जो इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक शॉर्ट फ्लैजेला है और एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, और जब ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होते हैं तो एज हेटरोट्रॉपिक भी बिहेव करते हैं, और प्रीडेटिंग प्रीडेशन नेचर पे प्रीडेटिंग करके, स्मॉल ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटिंग करके भोजन ग्रहण करता है, फूड लेता है। इंटरेस्टिंगली एक बात यह है इसमें कि इसके जो पिगमेंट होते हैं ग्लेनोलाइट का, वो आइडेंटिकल होते हैं पिगमेंट का जो हाइयर प्लांट में पाए जाते हैं। इसका मोस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब ये डेड और डीके पे डिपेंड करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं होते हैं। इसका बॉडी मूव करता है डिकेइंग ट्विग्स, स्लीप्स या इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी डेड एंड डीके रहेगा ये उसके साथ ही मूव करता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट्स कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। जब सुटेबल कंडीशन होगा तो ये एग्रीगेट कर जाएगा बहुत सारे, और क्या बना देगा, प्लाज्मोडियम। और जब नहीं रहेगा इसका सुटेबल कंडीशन, तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लाज्मोडियम, और फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेगा और उसमें स्पोर बनाएगा। हम लोग पहले भी देखते हैं बैक्टीरियल के केस में, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वह एक स्पोर बनाता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, और जब ये प्लाज्मोडियम बनाएगा फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो ये पूरी तरह से ग्रो करेगा, सेवरल्स ऑफ सेवरल फीट तक ये ग्रो कर सकता है। इसका जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रू वॉल्स होते हैं, जो कि इसको कवर करता है किसी दूसरे केमिकल्स या किसी अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाने में मदद करता है। ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं और सर्वाइवल के लिए बहुत साल, मेनी ईयर्स, इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन, जब तक एडवर्स कंडीशन में रहेगा तब तक वो उसको जिंदा रखेगा, इसीलिए वो स्पोर बनाता ही है। और जब स्पोर बनता है तो वो एयर करंट के साथ डिस्पर्स हो जाता है, और जब भी इसको फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो फिर से स्लाइम मोल्ड्स के तौर पे उभर आता है। तो ये देखिए इसका जो लाइफ साइकिल है, जब ये फेवरेबल कंडीशन में रहता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और जब अनफेवरेबल होता है तब ये स्पोर बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। तो लाइफ साइकिल में क्या है, ये स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा, ये फ्लैजेलेटेड सेल बनाएगा, और फिर ये सिनगैमी मतलब आपस में मेटिंग करेगा, और ये जैगोट बनाएगा, फिर इसमें माइटोसिस होगा, फिर ये फीडिंग प्लाज्मोडियम बनाएगा, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा ग्रो करेगा और मेच्योर प्लाज्मोडियम होगा, और जब अगर कंडीशन ठीक नहीं रहा या कंप्लीट मेच्योर हो गया, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, फिर ये यंग स्पोरेंजियम बनाएगा और उससे स्पोर बनाएगा। नेक्स्ट प्रोटिस्टा है प्रोटोजोअन्स। ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एज ए प्रीडेटर भी ये बिहेव करता है, पैरासाइटिक भी बिहेव करता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल के। इसके फोर मेजर ग्रुप्स हैं, पहला एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलेटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, और मोस्ट सेल में भी पाए जाते हैं सोयल में। एज ए प्रीडेटर जब बिहेव करता है तो ये मूव करता है प्रे के तरफ सूडोपोडिया से, पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फिट जिसको कहते हैं,
अमीबा जिस तरह से जाता है, और मेराइन फॉर्म में सिलिका सेल होते हैं इसके ऊपर सरफेस पर, और पारासाइटिक के नेचर में, जैसे कि एंट अमीबा जो है वो पारासाइटिक नेचर के होते हैं, तो ये प्रीडेटर नेचर के भी बिहेव करते हैं और पारासाइटिक नेचर में भी बिहेव करते हैं। दूसरा है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। इस मेंबर के जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो आइदर तो फ्री लिविंग होते हैं या पारासाइटिक होते हैं, मतलब ये फ्री भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग, किसी से कोई लेना देना नहीं, या किसी लिविंग के ऊपर भी हो सकता है पारासाइटिक नेचर। इसके पास फ्लैजेला होते हैं इसीलिए इसको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। जो पारासाइटिक नेचर के होते हैं वो डिजीज काउज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेपेनोसोमा। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोवा। ये एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, एक्टिवली मूव करते हैं किस क्योंकि इसके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, इसीलिए इसको सीलिएटेड प्रोटोजोवंस कहते हैं। इसके पास एक कैविटी होता है जिसको गुलेट कहते हैं हम लोग। ये ओपन होता है आउटसाइड की तरफ से सेल सरफेस की तरफ। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं सीलिया के मदद से ये। इसके कारण ये वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पारामेसियम, स्पोरोजोवेंस। इसके अंदर बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आते हैं जो इन्फेक्टियस स्पोर का एक स्टेज रखता है उसके लाइफ साइकिल में। जैसे कि सिंपल सा हम लोग समझे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है, इससे मलेरिया होता है और ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हम लोग मलेरिया के बारे में हम लोग सब जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और दूसरों को मदद करें। अगर आपके मन में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल है इस चैप्टर से, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, या किसी और टॉपिक से या चैप्टर से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी।